ये खुद करते हैं कि इसमें ऐसा भी रहता है कि पेरेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया या टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया या कई बार होता है कि बच्चे बहुत सी चीजें बाहर से ले जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मॉडल हैं उसके अंदर एक क्राइटेरिया ये भी है कि कौन सा बच्चा इसमें कम से कम पैसे इसमें लगे ज़्यादा इस्तेमाल किया हो मतलब सब कुछ वेस्ट मटीरियल से ही बनाया जाता है कोशिश की जाती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मेटल का इस्तेमाल किया जा सके ताकि right. हम जैसे पर्यावरण के उसको उनके नजदीक लाने के लिए एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इनोवेशन इन द कंसेप्ट जो बच्चे लेकर आते हैं उसमें क्या इनोवेशन कितना जरूरी होता है आप लोग वो देखते हैं कि बच्चा कितना इनोवेटिव हो रहा है अपने मॉडल्स के अंदर कितनी स्ट्रैटेजी कितनी टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें कितनी सोच डाली गई है ताकि जो भी उसका कंसेप्ट हो वो किसी न किसी तरीके से आगे चल हमारे एन्वायरमेंट को या हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ डेवलप करवाए इनोवेशन की तो बहुत इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए वैसे भी अगर हम सोचें क्योंकि बच्चे इतने इनोवेटिव होते हैं अपने आप में उसका हल ना मिल जाए वो रुकते भी नहीं है right, exactly, थोड़ा सा ई गवर्नेंस के टॉपिक को लेकर हम बात करें छोटे बच्चे हैं चार साल पांच साल छह साल के तो बहुत ही छोटे ताकि उनको समझ में भी आए कि क्या होता है उस चीज को

थर्ड to फिफ्थ मतलब अगर देखा जाए तो सात से आठ साल तक के बच्चे या आठ से दस साल के बच्चे लगभग तो उसमें क्या क्या करते हैं वो प्रोवाइड द दे कंप्यूटर्स एंड एवरी तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं किस तरह से होता है बुक्स का बैटर उसमें डला होता है जी और जो भी बच्चा का अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चा से क्वेश्चन किया तो ना बच्चा उन्हें टैब के द्वारा ही आंसर करेगा वो बोर्ड पे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा okay. अगर गलत किया तो टीचर यहाँ से बोलेंगे गलत है या सही है वो भी लिख के बताएंगे बोर्ड को भी, भी है, है करेक्शन भी है उसपे okay. तो सारे चीजें बच्चे टीचर्स दोनों में मिला करके बोर्ड के माध्यम

बच्चों की कविता प्रतियोगिता है जी। और टीचर्स के लिए भी प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए भी भाषण प्रतियोगिता है ये सभी साइंस से संबंधित ही होती है okay, आस जी से पूछती हूँ जिसे बता रहे थे तीन प्रतियोगिताएं इन्होंने बताई उसके अलावा बच्चों के लिए और किस प्रकार की गेम्स या प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करवाई जाती है जैसे बच्चे लाते खेल खेल में कुछ सीखते हैं हुँ, बच्चे बाहर ऐसे भी कुछ प्रतियोगिताएं होती है जो खेल खेल में जैसे बच्चों को जमा के सवाल देने हैं तो बच्चे क्या करते हैं एक दो तीन चार गिनती हमेशा उठा करके डालो इसमें डालो फिर कहीं कर गिनती करो तो एक तरह से इसके जोड़ सिखाने के काम इसके माध्यम से करते हैं या कोई ट्रेंगल बनाना हो तो बच्चे ट्रेंगल बना के बताते हैं कि ये ट्रेंगल बना है ये चतुर्भुज है ये सर्कल है अर्ध व्यास है right. बच्चे खुद बताते हैं स्वयं बता रहे हैं आपको मॉडल के माध्यम से देखे होंगे yes. इसमें काफी बच्चे ऐसे हैं hmm. जो एक सर की लाइफ क्या बेटे इसमें क्या सीख रहे हो आप कहा कि सर आइए आप आपको मैं बताता हूँ त्रिभुज किसको कहते हैं hmm. मैं बताता बताऊ त्रिभुज किसको कहते हैं hmm. तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं इतना उन्हें नॉलेज है और इसी नॉलेज को आगे करने के लिए हम विज्ञान का एक मेला लगाते है हर्ष आते हैं और इसके माध्यम से बच्चे को बेसिक नॉलेज डाल के वो बच्चे सिक्स क्लास से आगे जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं आपको अर्सा अगर देखा जाए मैं आपसे पूछूंगा नीलम जी इसके अंदर किसका पीछे ब्रेन वर्क या ब्रेन चाइल्ड किसका होता है कि किस तरह के गेम्स साइंस फेयर के अंदर रखे जाएंगे बिकॉज ये एवरी हैपनिंग है एंड इनोवेशन बहुत जरूरत जरूरी होता है यू वॉट टू कीप इन माइंड सम वे कि साइंस से रिलेटेड गेम्स हो उनके जो ऑब्स होते या फोकस जो होते हैं गेम्स के वो बेसिकली होते हैं कि बच्चे के दिमाग को और खोला जाए वो चीज़ों को समझे तो ये गेम्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं प्ले करते हैं सो वॉट इज द ब्रेन चाइल्ड एंड हुज ब्रेन चाइल्ड इज इट एंड हु डिसाइड कि किस तरह के कि गेम्स रखे जाते हैं और उसके साथ साथ क्या गेम्स रखे जा रहे हैं वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि जैसे इसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन हम रख रहे हैं जी। इसमें एक भी भी रखा जाता है है अच्छा मतलब light games भी होते जी, हैं जी, बिल्कुल पर होते हैं बिल्कुल और ये सब कौन कौन करता है और कैसे किया कि कि से games होने Actually, हमारे officially जो हमें orders मिलते हैं कि इस तरीके से ये टॉपिक रखने हैं हमें और हम बेसिकली वही टॉपिक लेते हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं जैसे स्वच्छता का चल रहा है इससे रिलेटेड ही फैंसी ड्रेस आए हमारे पास पोएम्स से लिखते हैं उसमें भी उसी का ही आपको प्रारूप दिखेगा हुँ। और इसके पीछे एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि टीचर अपने बच्चों को पूरी तरह से गाइड करती है कि उनको किस लेवल तक जाना है और वो आगे क्या कर सकते हैं उसके बाद बच्चे भी डिसाइड करते हैं हमारे कि मैम हम इसके साथ ये जोड़ दें तो कैसा लगेगा क्योंकि उनमें जानने की इच्छा बहुत प्रबल होती है तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे हमें खुद आकर बताएं hmm. कि मैम हम इसमें ही हाँ जी, 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 जी जी जो रहता है लेकिन बच्चुआ. इसमें एक टीचर आपसे पूछूं कि साइंस फेयर होता है क्योंकि टीचर yes. ही चला है hmm. टीचर

Hmm. जिसके अंदर की दिखाया गया कि बच्चे आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ को कैसे जोड़ा जाए बच्चों hmm. को जो छोटे बच्चे हैं उसको कैसे उनको टेक्नोलॉजी इनको बताया जाए कि इस तरह से भी वो सीख सकते हैं करेक्ट एग्जैक्टली एंड अगले वर्ष हम क्या उम्मीद रख सकते हैं साइंस फेयर uh, के अंदर कुछ रस... सोचा है कुछ प्लानिंग हुई अभी हाँ चलता रहता है इसमें धीरे धीरे इट मीन प्रमोद जैन था क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड थे जब बता रहे थे कि जैसे खत्म होता है आप नेक्स्ट डे के, नेक्स के बारे में सोचने लगते हो नेक्स्ट डे के बारे में आपके दिमाग में क्या है नेक्स्ट ईयर के बारे में हमने सोचा है कि अगले बार जैसे हमारे हेड ऑफिस है मुख्यालय है मुख्यालय में इंस्ट्रक्शन देता है

बोलते हैं उतना ही बच्चे हमारी आगे नेशन को बढ़ावा की ओर लेके जाते हैं सो यू डूइंग वेरी गुड बिट वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट एंड फॉर द कमिंग आल्सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच प्रमोद जी कवल जीत जी नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए वाज़ अ प्लेजर है